अथर्व के पापा का एक बहुत बड़ा कनेक्शन इमली और आर्यन के साथ सामने आने वाला है। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शो इमली के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि इमली के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए सुंदर और अर्पिता ने एक बहुत बड़ा फंक्शन रखा है जिसमें काफ़ी बड़े बड़े लोग आए हैं। इसी फंक्शन का हिस्सा बने हैं अथर्व और उसका परिवार, तो जाहिर सी बात है उसके पापा का आना तो लाजमी है। वेल, अब जब अथर्व के पापा राठौर मेंशन आएंगे तो उन्हें भूली बिसरी यादें याद आने लगेंगी जो कि आर्यन सिंह राठौर से जुड़ी हैं। अथर्व के पापा का एक बहुत बड़ा बिजनेस है और ये बिजनेस के तार किसी और से नहीं बल्कि आर्यन के ही बिजनेस से जुड़े हुए हैं। वहीं अब इस पार्टी के दौरान अथर्व के पापा सुंदर और अर्पिता के सामने एक बहुत बड़ा प्रपोजल रखेंगे और ये प्रपोजल है इमली, मीठी इमली की शादी का। अथर्व के पापा ने मीठी इमली को अथर्व की दुल्हन के तौर पर चुन लिया है। उन्हें मीठी इमली पसंद आ चुकी है और अब वो उसे ही अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ऐसा करने के पीछे अथर्व के पापा का एक खास मकसद है और वो मकसद ये है कि आर्यन और इमली ने जो प्रॉपर्टी का हिस्सा मीठी इमली के नाम किया है वही हिस्सा अथर्व के पापा को चाहिए, इसीलिए वो इमली को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं और उस प्रॉपर्टी के हिस्से को हथियाना चाहते हैं। वेल, अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा नया मोड़ लेती है सीरियल इमली की कहानी। क्या मीठी इमली को इस बारे में पता चल पाएगा? वहीं दूसरी ओर अथर्व चीनी को करने लगा है पसंद। जी हाँ, अथर्व को हो गया है चीनी से प्यार। हालांकि जो एहसास अथर्व के दिल में है वो इमली के लिए है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हुई कि अथर्व ने जिस लड़की से वो प्यार करता है उसे चीनी समझ बैठा। वेल, अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ नए ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर आती है सीरियल इमली की कहानी।